कल मुख्यमंत्री ने जो फेसबुक के माध्यम से अपील की उसमें इसी बात पर तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन शिंदे सेना ऐसा लग रहा है कि वो मन बना चुकी है कि एक तरफ ना वो उद्धव ठाकरे को अपना नेता स्वीकारेगी और ना ही अब महाविकास अघाड़ी के साथ जाएगी। अभी तक के तेवर तो यही दिखाई दे रहे हैं पारस। बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल तेवर वही हैं, क्योंकि अब एक तरह से निश्चिंत हो चुका है कि वो तो जादुई आंकड़ा है 37 का वो एकनाथ शिंदे के पास किसी तरीके से है। तो अगर वो आधिकारिक तौर पर पता चल जाता है तो उसके बाद सियासी हलचल और बढ़ जाएगी पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में खास करके, क्योंकि सारी चीजें जो है अब पीस टू पीस जो है वो जुड़ने लगा है इस पूरे खेल में कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरीके से अब उसका अंत होने जा रहा है। कल एक आखिरी कोशिश मेरे ख्याल से की गई उद्धव ठाकरे द्वारा, जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, एमएलएस को संबोधित कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो अपने एमएलएस को ही संबोधित कर रहे थे, उस समय बहुत सारी चीजें कही गई उनके द्वारा। सबसे मुख्य पूरे देश के सामने वो आंकड़ा है, उद्धव ठाकरे के पास कितने कम विधायक बचे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इन तस्वीरों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक है उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, इसको लेकर संविधान तो कुछ और ही परिभाषा करता है। अगर अभी तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए? उनको किस बड़े चमत्कार का भरोसा है कि उनकी कुर्सी बची रह जाएगी? वो कौन सी ताकत है जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल चित्रा, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था आपसे पहले सवाल में, कि जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संजय राउत जो सबसे भरोसेमंद इंसान है अभी शिवसेना के, उनका कहना था कि जो बाकी के एमएलए जो वहां गुवाहाटी में है वो वापस आ सकते हैं हमारे पास, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना विश्वास है मुझे कि वो वापस हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको जबरदस्ती जो है वो गुवाहाटी ले जाया गया है और उनको बंधक बनाया गया है। अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना इसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि वो जितने भी विधायक गुवाहाटी में है वो वापस आ जाए, बट तस्वीरें कुछ और दिखाती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, फोटो वीडियो जो है वो लोगों को देते हैं। तो अब शिवसेना किस अंदाज में टिकी हुई है या किस भरोसे पे टिकी हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल है चित्रा अभी।